रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीत ली है। अब उसकी नज़र वनडे सीरीज पर भी है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच आज लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाना है। 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। पहला मैच उसने 10 विकेट के विशाल अंतर से जीता था। हालांकि इंग्लैंड को घर में हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहा है। घर में खेली गई पिछली 12 द्विपक्षीय वनडे सीरीज की बात करें तो इंग्लिश टीम ने 11 में जीत दर्ज की है, जबकि सिर्फ 1 में उसे हार मिली है। ऐसे में टीम इंडिया को सीरीज जीतने के लिए जोरदार प्रदर्शन करना होगा। इंग्लैंड ने टीम इंडिया से पहले अंतिम वनडे सीरीज घर में पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी। तब उसने 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया था। इसके अलावा टीम ने श्रीलंका को 2-1 से हराया था, लेकिन इस बीच उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। इस दौरान इंग्लिश टीम ने अंतिम 12 सीरीज में से 7 में से एक मुकाबला भी नहीं गंवाया था। इससे उसके अच्छे प्रदर्शन के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। वनडे से पहले भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली गई थी। इसके पहले भारतीय टीम ने 2-1 से जीता था। 3 T20 मैच और पहले वनडे मैच की बात करें तो इंग्लिश टीम 4 में से 3 मैचेस में 150 के रन का आंकड़ा भी नहीं छू सकी है। यानी उसके बल्लेबाज अब तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में टीम की बल्लेबाजी कुछ हद तक कमजोर दिख रही है। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले कप्तान इयान मॉर्गन ने संन्यास लिया था, उनकी जगह जॉस बटलर को उनकी कमान सौंपी गई थी। हालांकि इंग्लैंड ने मौजूदा दौरे की शुरुआत अच्छी की थी। 1 जुलाई को एजबेस्टन में खेले गए 5वें टेस्ट को टीम इंडिया ने 7 विकेट से गंवा दिया था। इंग्लैंड ने एक जबरदस्त तरीके का रन चेस करते हुए इसे जीता था। उसने अंतिम दिन 378 रन का विशाल लक्ष्य चेस किया था, लेकिन टीम के खिलाड़ी उस प्रदर्शन को लिमिटेड ओवर सीरीज में अब तक नहीं दोहरा पाए हैं। कप्तान बटलर के अलावा जेसन रॉय, मोइन अली, जॉनी ब्रिस्टो और जो रूट का बल्ला भी खामोश रहा है। पहले वनडे मैच में टीम सिर्फ 110 रन ही बना सकी। जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस करते हुए 6 विकेट लेकर इंग्लिश पारी को पूरी तरीके से बिखेर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंग्लैंड के सेलेक्टर्स इस वनडे टीम में कोई बदलाव करेंगे या फिर एक बार फिर से अपनी पूरी टीम पर भरोसा जताते हुए दोबारा से सेम टीम उतारेंगे। भारतीय टीम के साथ तो ऐसा नहीं लग रहा है। भारतीय बल्लेबाज भी जबरदस्त फॉर्म में हैं। हालांकि पिछले मैच में केवल शिखर धवन और रोहित शर्मा ने ही बल्लेबाजी की, नॉट आउट रहे और मुकाबले को एक तरफा 10 विकेट से जीत लिया, तो बाकी बल्लेबाजों को बैटिंग करने आने के लिए मौका नहीं मिला। बात करनी होगी विराट कोहली की फिटनेस पर भी। क्या विराट कोहली फिट होंगे, क्या वो नंबर 3 के लिए अवेलेबल होंगे या फिर एक बार फिर से हम श्रेयस अय्यर को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे। कुल मिलाकर एक कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ ANP टाइम्स की रिपोर्ट।